वेलकम स्टूडेंट, दिस इज योर सिविक्स क्लास, क्लास 7। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। फ्रॉम द अबव स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दैट वी कैन रफली डिवाइड अ वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटी इन टू कैटेगरीज, पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। Public health service. The public health service is a chain of health center and hospitals run by the government. They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems, from common illness to special services. At the village level, there are health center where there is usually a nurse and a village health worker. They are trained in dealing with common illness and work under the supervision of doctor at primary health center, PHC. Such a center covers many villages in a rural areas. As the district level in the district hospital that also supervises all the health centers. Large cities have many government hospitals, such as the one where Aman was taken, and also specialized government hospitals such as the ones in Hakim Sheikh's stories. सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। उन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरत को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहर में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वहाँ था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हकीम सेवक की कहानियों में हुआ था। The health service is called public for many reasons in order to fulfill its commitment of providing health care to all citizens. The government has established this hospital and health center. Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that we, the public, pay to government as taxes. Hence, such facilities are meant for everyone. One of the most important aspects of the public health system is that it is meant to provide quality health care service either free or at a low cost so that even the poor can seek treatment. Another important function of public health is to take action to prevent the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, chikungunya, etc. This has to be organized by government with the participation of people, otherwise it is not effective. For example, when taking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water cooler, rooftops, etc. This has to be done for the houses in the area. इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए यह अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएँ सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिसे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कारण है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना।
इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर व घर की छतों आदि पर पानी एकत्र ना होने दें। Recall the case of Hakim Sheikh. Would you like to know what the court said in this case? According to our constitution, it is primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide health care facility to all. The government must safeguard the right to life of every person. The court said that the difficulty that Hakim Sheikh had to face would have cost him his life. If a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that his protection of life is not being given. The court also said that it was the duty of the government to provide the necessary health service, including treatment in emergency situation. Hospitals and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. Hakim Sheikh was denied treatment of various government hospitals. Therefore, the court asked the state government to give him the money that he had spent on his treatment. Hakim Sheikh के प्रकरण को पूर्ण याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और उन सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हकीम सेब को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उनमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई हॉस्पिटल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधाएं भी सम्मिलित हों। अस्पताल और उनसे उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हकीम सेब का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह हकीम सेब द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट अस नो। वी विल ट्राई टू clear your doubts in another video. अगर आपको कोई संदेह है तो कृपया करके हमें बताइए। हम अगले वीडियो में आपके संदेह को दूर करने का प्रयास करेंगे।